brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बर्फीली चोटियां हो या दुर्गम पहाड़ियां, अचूक निशाना हो या फिर घातक वार, दुश्मनों को तबाह करने में भारत के जवानों का कोई मुकाबला नहीं। एक बार ये जवान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएं, तो अपने मिशन को पूरा करके ही दम लेते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सिक्किम में सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में त्रिशक्ति कोर के जवानों ने ऊंची पहाड़ियों में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के इन जवानों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने का अभ्यास किया। सेना ने इस अभ्यास को एक मिसाइल एक टैंक का नाम दिया है, यानी इन जवानों का कोई भी वार खाली नहीं जाता। जो मिसाइल ये दागते हैं, वो दुश्मनों के टैंक को तबाह करके ही दम लेती है। ईस्टर्न कमांड के मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट ने सिक्किम में इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। ये जवान उबड़ खाबड़ रस्तों पर भी पूरी रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ सकते हैं। इस अभ्यास में जवानों ने स्थिर टारगेट के साथ साथ तेज रफ्तार से चलने वाले टारगेट्स पर भी सटीक निशाना लगाया। ये मूविंग टारगेट युद्ध के दौरान भागते हुए दुश्मनों के टैंक का प्रतीक थे। दरअसल इस अभ्यास के जरिए भारतीय सेना चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को परख रही है। नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर के करीब चीन ने अपना टैंक रेजिमेंट तैनात कर रखा है। अगर चीन ने फिर कोई गुस्ताखी की तो दोनों देशों के टैंक आमने सामने होंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल होगी। इस अभ्यास में सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी, जो इस युद्ध अभ्यास के कामयाब होने का प्रमाण है। भारत के जवानों की ये तैयारी चीन को बेचैन कर रही होगी, लेकिन ये वही तैयारियां हैं जिनके दम पर हिंदुस्तान की सरहदें हमेशा दुश्मनों की नजरों से महफूज रहती हैं। इस अभ्यास को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।